अगर आप भी धोनी, कोहली और रोहित के फैन हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। विराट कोहली, रोहित शर्मा और धोनी ने वर्ल्ड कप में जीतने की कोशिश नहीं की, कहा बेन स्टोक ने। साल 2019 में खेले गए वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ लीग मैच में हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद धोनी की बल्लेबाजी पर सवाल खड़े कर दिए गए थे। दरअसल भारतीय टीम को इस मैच में 11 ओवर में 112 रन चाहिए थे, लेकिन धोनी और केदार जाधव अंत तक विकेट पर टिके रहे लेकिन मैच जीत नहीं पाए। अब इस मैच पर इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने बड़ी टिप्पणी कर दी है। स्टोक्स ने धोनी ही नहीं, विराट कोहली और रोहित शर्मा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बेन स्टोक्स ने खड़े किए टीम इंडिया के दिग्गजों पर सवाल। उन्होंने कहा कि पिछले साल विश्व कप में अपनी टीम के खिलाफ मैच में रनों का पीछा करने के दौरान भारत के रणनीति पर सवाल उठाते हुए कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की साझेदारी रहस्यमय लगी, जबकि धोनी ने जज्बा नहीं दिखाया। स्टोक्स ने भारतीय कप्तान कोहली की 59 मीटर की सीमा रेखा की शिकायत को हताशा भी कह दिया। धोनी में जीत की ललक दिखाई नहीं दी, उनके हिसाब से धोनी में जीत की कोई ललक नहीं थी। उन्होंने अपनी नई किताब ऑन फायर में विश्व कप के इस मैच का जिक्र किया है। स्टोक्स ने कहा कि धोनी जब बल्लेबाजी के लिए आए थे तब भारतीय टीम को 11 ओवर में 112 रन चाहिए थे और उन्होंने अजीब तरीके से बल्लेबाजी की। वो गेंद की सीमा रेखा के पार भेजने से ज्यादा एक रन लेने को आतुर दिखे। भारतीय टीम आखिरी 12 गेंद में भी जीत सकती थी। स्टोक्स ने कहा धोनी और केदार जाधव की साझेदारी में जीत की ललक काफी कम या फिर बिल्कुल ही दिखाई नहीं दी। मुझे लगता है कि अगर वह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते तो रन बन सकते थे। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की ड्रेसिंग रूम को लगा कि धोनी मैच को आखिरी ओवरों तक ले जाना चाहते थे। इस मैच में 31 गेंद पर 42 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन ज्यादातर रन आखिरी ओवरों में तब आए जब मैच भारत के हाथ से लगभग निकल चुका था। स्टोक्स ने कहा कि हमारे ड्रेसिंग रूम में भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि धोनी के खेलने का तरीका यही है, अगर भारतीय टीम मैच नहीं जीतती तो उनका नेट रन रेट बना रहे। रोहित विराट ने भी नहीं की दबाव बनाने की कोशिश। इंग्लैंड के गेंदबाज क्रिस वोक्स और जोफ्रा आर्चर ने रोहित और कोहली को कसी हुई गेंदबाजी की। उन्होंने 138 रन की साझेदारी के लिए लगभग 27 ओवर खेले। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल रहे थे वह किसी रहस्य की तरह ही था। मुझे पता है कि हमने इस दौरान शानदार गेंदबाजी की, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी बल्लेबाजी की वो बिल्कुल अजीब लग रहा था। उन्होंने कहा कि इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को मैच में काफी पीछे धकेल दिया। उन्होंने हमारी टीम पर दबाव डालने की कोई इच्छा नहीं दिखाई, वे हमारी रणनीति के मुताबिक खेल रहे थे। स्टोक्स ने कहा कि कोहली ने सीमा रेखा के छोटा होने की बात कही थी जो थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा कि मैच के बाद पुरस्कार समारोह में भारतीय कप्तान कोहली ने सीमा रेखा को लेकर सवाल उठाया जो उन्हें अजीब लगा। मैंने मैच के बाद ऐसी शिकायतें कभी नहीं सुनी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।